दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है, बहुत सारा स्ट्रेस है, या ये चल रहा है वो चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। मेरे को ये बिल्ली के चक्कर में इतनी डांट पड़ती है। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मेरे को मिलने आई है, देखो ये मैडम आई है यहाँ पर। सो आज हम जाएंगे, इसके लिए कोई टॉय लेके आएंगे, बिकॉज ये पेन से बहुत खेलती है। आज तो ये फुटाने से भी खेल रही थी, मम्मी मेरे को बताई। और अब मैं बस रेडी होंगी, मुझे आज थोड़ा बाहर भी जाना है, थोड़ा काम है वो सब करने के लिए। सो बे पकड़ो 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 मम्मी को पकड़ो 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 मम्मा सोफा इसको देखो। मेरे को ये बिल्ली के चक्कर में इतनी डांट पड़ती है, तो कुछ नहीं करती, तो दिन भर टाइम पास करती रहती है, ये वो। मम्मी को ये नहीं दिखता यार, वो बिल्ली आती है मेरे पास, मैं सुबह सुबह उठ के बस चाय पी रही थी और वो आ गई। एक तो घुटने था उसने, बस मेरे पैरों के नीचे खेलना है इसको। सो मैं नहा के बन गई हूँ एकदम गुड गर्ल, मैंने थोड़ा टिंट पिंट लगा लिया है और लुक एट हर, ये फिर से यही बैठी हुई है, यही रहने वाली है। नो आजा आमू, पिन आ गया, पिन दे दियो। बैग अच्छा सेम ऐसा ही है। हाँ, बट इसकी ना जो ये चेन है ना, हाँ, ये बहुत येलो येलो है। नहीं लेकिन हाथ में अच्छी लग रही है। और है ऐसे तो दो ही पीस है, ये है कितने के आपके साइज से आप लोग ऑर्डर करोगे ना, आपका साइज बन के मिल जाएगा। सो गाइज, मैं एग्जीबिशन से आ गई हूँ और बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं बस सोई गई। अभी उठ के आई हैव टू गेट रेडी और मुझे जाना है एक प्राणी हीलिंग सेंटर जो अमरावती में बस पहला खुला है, एंड इट इज़ द ओनली सेंटर इन अमरावती। और मैंने प्राणी हीलिंग के बारे में बहुत सुना है, सो आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई। सो मैं आज जा रही हूँ वहाँ पर टू सी फिट्स, और उसकी शायद मैं कोई एक रील भी बनाऊंगी, तो आई माइट पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम और माई यूट्यूब ऑन शॉर्ट्स, तो आप प्लीज़ देख लेना। और अभी मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली कि वहाँ पे पहनना क्या होता है, तो आई थिंक आई विल वियर समथिंग वेरी कैजुअल और बस रेडी होते हैं फिर वहाँ जाते हैं। और मेरा फेस इतना पफी पफी लग रहा है यार, मैं क्यों ही सोई, मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है सोने के बाद में कहीं जाना पड़े तो बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज मेरा फेस एकदम गोलू मोलू दिखता है। बट आई विल गेट इट फिक्स्ड यूजिंग आईज, और रेडी होते हैं फिर हम जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो या लेट्स गो। और मैं बहुत लेट हो चुकी, मैं फटाफट से अपना मेकअप कर रही हूँ, अब बस बेसिक मेकअप कर रही हूँ, सनस्क्रीन वेरी इम्पोर्टेंट।
सिर्फ अपने बाल बांध लूंगी बिकॉज वहाँ पहुँचे तक बहुत जल्दी हो जाएंगे नहीं तो, और फिर लीव मैं बहुत लेट हूँ ऑलरेडी। मेकअप बहुत बेसिक सा किया है मैंने, तो आई एम एट दी हीलिंग सेंटर और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, वेरी नर्वस, लेट्स गो इन सी व्हाट इट इज। सो गाइज, मुझे हीलिंग सेंटर पे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने अभी तक के जितने भी मेडिटेशन के लिए कुछ भी किया है, तो व्हेनेवर आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ना, तो मेरे दिमाग में से बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं एंड आई गेट रियली डिस्ट्रैक्टेड, मुझसे हो ही नहीं पाता। बट जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट धीरे धीरे माई माइंड चोज काम पीस एंड एट दी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ किया है या मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है, बहुत सारा स्ट्रेस है या ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ नहीं, आई वॉज फीलिंग रियली रिलैक्स। सो आई रियली लाइक टू थैंक राधा फॉर दिस अमेजिंग सेशन, आई रियली रियली इंजॉयड इट एंड आई हाईली रिकमेंडेड टू ऑल द पीपल आउट देयर, जो भी अमरावती में हैं जा सकते हैं, बस एक घंटे का क्लास से अगर आपको जाना हो तो उनके कुछ फ्री सेशंस भी है, आप ट्राई कर सकते हो। और विद दिस विल एंड दिस व्लॉग, होप आपको मज़ा आया होगा, इफ़ यू डिड, इफ़ यू इंजॉयड वॉचिंग माई माउ, प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।